शाहरुख खान की लास्ट रिलीज फिल्म जीरो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई और इन दिनों वो अपनी अपकमिंग फिल्म्स को लेकर खूब चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल खबर थी कि जीरो के बाद शाहरुख राकेश शर्मा की बायोपिक सारे जहां से अच्छा में नजर आएंगे, लेकिन जब से शाहरुख की इस फिल्म से किनारा करने की खबर सामने आई है हर कोई हैरान है। दरअसल खबर है कि जीरो के फ्लॉप होने के बाद शाहरुख अब अपनी अगली फिल्म को सोच समझ कर साइन करना चाहते हैं, लेकिन इन सब खबरों के बीच शाहरुख ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान शाहरुख ने कहा कि मुझे डर लगता है कि कभी क्या होगा अगर मैं साधारण हो जाऊंगा और बोरिंग फिल्में करने लगूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा दिन कभी ना आए जब मैं इतना थक जाऊं कि साधारण सी फिल्में करना चाहूं, जो कि 40 दिनों में बन जाएं, रिलीज हों और बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाएं। मैं खुद के लिए नई गाड़ी खरीदूं और खुश रहूं। इसी सोच से मुझे डर लगता है। अब शाहरुख का इशारा भले ही सीधे सीधे अक्षय की तरफ ना हो, लेकिन अक्षय का नाम ऐसी फिल्मों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। खुद अक्षय ने कई बार अपने इंटरव्यू में कहा है कि वो साल में 3-4 फिल्में इसलिए दे जाते हैं क्योंकि वो 40-50 दिनों में ही एक फिल्म की शूटिंग खत्म कर लेते हैं। फिलहाल शाहरुख का इशारा भले ही किसी एक सितारे की तरफ ना हो, लेकिन अब खान सुपरस्टार्स को इतना समझने की जरूरत है कि आजकल की ऑडियंस बदल चुकी है। आज ऑडियंस को फिल्म के बजट से कोई मतलब नहीं होता। बाकी पिछले काफी टाइम से कम बजट की फिल्मों ने ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्मेंस दी है। आज ऑडियंस को ना सुपरस्टार से मतलब होता है ना ही फिल्म के बजट से। उन्हें फिल्म में बस एक अच्छा कंटेंट चाहिए होता है और ऐसी फिल्में बिल्कुल भी साधारण नहीं होती। वेल, तो अब आप शाहरुख के इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।